क्रैक हिट के डेली करंट में आपका स्वागत है। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, कर्नाटक के हुबली में रेलवे संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था, रेल तथा वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने 9 अगस्त 2020 को कर्नाटक के हुबली में रेलवे संग्रहालय को देश को समर्पित किया, ठीक है। ये रेलवे संग्रहालय है कहाँ पे है, कर्नाटक के हुबली में, और ये कब समर्पित किया गया, 9 अगस्त 2020 को, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मुंबई ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकन रखने वाला पहला शहर बना, ये देश का पहला शहर बना है जो ट्रैफिक सिग्नल में महिला का आइकन या साइनेज प्रतीक के रूप में रखने वाला पहला शहर बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नितिन शेट्टी ने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का पुरस्कार जीता, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से देखिए ज़रा। नितिन शेट्टी ने 8 अगस्त 2020 को एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म का अवार्ड खोजी पत्रकारिता अवार्ड किसके लिए जीता, इन्होंने खोजी पत्रकारिता के लिए जीता। इसमें इन्होंने क्या पेश किया था, इन्होंने पेश किया था चुनावी बॉन्ड पर पैसा पॉलिटिक्स शीर्षक वाली उनकी 6 भाग की श्रृंखला के लिए इन्होंने पेश किया था, और इसी के लिए इन्हें 2 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिला, ठीक है। किन्हें जीता, ये नितिन शेट्टी ने, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, शिव सहाय सिंह ने पत्रकारिता में केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड जीता, किसने जीता, शिव सहाय सिंह ने, कौन सा अवार्ड, केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड, ये क्या है। और ये देखिए, जो शिव सहाय सिंह हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर आता है उसके पत्रकार हैं, ठीक है। द हिंदू के शिव सहाय सिंह ने 8 अगस्त 2020 को एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म को प्राप्त किया, ठीक है। किसने प्राप्त किया, शिव सहाय सिंह ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन पांचवा है आपका, हैदराबाद स्थित एनजीओ नंदी फाउंडेशन ने फूड विजन 2050 पुरस्कार जीता, ठीक है। इसके बारे में ज़रा डिटेल देखिए। रॉकफेलर फाउंडेशन ने 6 अगस्त 2020 को न्यूयॉर्क में घोषित फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी नंदी फाउंडेशन को दुनिया के शीर्ष 10 दूरदर्शी में से एक रूप में चुना, ठीक है। किसको चुना, एनजीओ नंदी फाउंडेशन, ठीक है। कौन से पुरस्कार, फूड विजन 2050 यानी फूड विजन 2050, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन छठवा है आपका, FSSAI ने ईट राइट इंडिया आंदोलन ने फूड सिस्टम विजन पुरस्कार जीता, ठीक है। इसके बारे में ज़रा डिटेल से देखिए, क्या है ये, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 9 अगस्त 2020 को कहा कि उसे राइट इंडिया आंदोलन के दृष्टिकोण के लिए अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा 9 अन्य फाइनलिस्टों में फूड सिस्टम विजन प्राइज से सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसको, FSSAI, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हैं आज आपके, और 6 के 6 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब से रोज़ करंट मिलेगा, अभी पिछले 2-3 दिन से करंट आपको नहीं मिल पा रहा था, अब से ऐसा नहीं होगा, पर डे आपको करंट मिलेगा, ठीक है। कल मिलते हैं, धन्यवाद।